नमस्कार, बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें होती है। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कई नेताओं और पत्रकारों को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की तरफ से एक चेतावनी मैसेज मिला है। मैसेज को लेकर एप्पल का कहना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े कई आईफोन को स्टे स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस मैसेज के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर ऐसा करने का आरोप लगाया है, साथ ही इसे निजता का उल्लंघन बताया गया है। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात में पटेल को नमन किया, तो वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई गणमान्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के IGIMS अस्पताल में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाते हुए नजर आए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इन दिनों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर खूब हमला बोल रहे हैं। मांझी ने टीचर बहाली को लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आपसे तो अच्छे बड़े भाई थे जिन्होंने जमीन लेकर ही सही बिहार के लोगों को नौकरी दी। मांझी ने अपने इस बयान से RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश दोनों पर कटाक्ष किया है। इधर बीजेपी ने भी शिक्षक नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई नियुक्ति क्यों रोके हुए थे और ये जो नियुक्ति हो रही है वह पूरी तरह से नियुक्ति घोटाला है। बता दें कि 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री राघवर दास ने आज उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। उड़ीसा के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राघवर दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भुवनेश्वर में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई नेता भी शामिल हुए। बता दें कि इससे पहले रघुवर दास सोमवार को भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे थे और दर्शन किया था। बाबा नगरी देवघर में आज भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम लगातार 2 दिनों से कई जगहों पर रेड कर रही है। सोमवार को भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से देवघर और जसीरी के आधा दर्जन से अधिक जमीन कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी। हालांकि छापेमारी में अब तक क्या कुछ हाथ लगा है अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिहार में बालू को लेकर एक बार फिर से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। राजधानी पटना से सटे बीटा में आपसी वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं के बीच जैसे जंग शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बीटा के पथलौटिया बालू घाट पर 2 गुटों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर करीब 200 राउंड फायरिंग हुई। इतना ही नहीं, खबर है कि इस झड़प के दौरान 7 पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस साल बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ को खास रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक अमला छठ को लेकर अभी से ही विशेष तैयारी में जुट गया है। सोमवार के बाद आज फिर पटना के DM, कमिश्नर और SSP सहित कई अधिकारियों ने सुबह सुबह गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान गंगा घाटों की साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि छठ के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
छठ और दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्य से बिहार आते हैं। ऐसे में त्योहार के सीजन में रेलवे विभाग के लिए यात्रियों को मैनेज करना एक चैलेंज होता है। इसके लिए रेलवे विभाग ने बड़ी तैयारी की है और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पटना और नई दिल्ली के बीच दो प्रीमियम ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। 11, 14 और 16 नवंबर को नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि 12, 15 और 17 नवंबर को पटना से ये विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इधर पटना नई दिल्ली के बीच राजधानी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन नई दिल्ली से 10, 13, 15 और 17 नवंबर को खुलेगी, जबकि 11, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से रवाना होगी। सलमान खान की भांजी आलिज़ा अग्निहोत्री जामताड़ा फेम सोमतेंद्र पाढ़ी द्वारा निर्देशित फिल्म फर्रे से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। इसको लेकर बॉलीवुड के सुल्तान अभी से ही अपनी भांजी की फिल्म का प्रमोशन करने में जुट गए हैं। सलमान खान ने फिल्म फर्रे का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम के जरिए शेयर किया है। फिल्म में आलिज़ा अग्निहोत्री लीड रोल में है और ये एक एंटरटेनिंग थ्रिलर फिल्म है और ये एग्जाम चीटिंग ब्रैकेट में फंसे स्कूली स्टूडेंट के एक ग्रुप के इर्द गिर्द फोकस है। फिल्म को पहले पोस्टर में आलिज़ा और स्कूल की वर्दी पहने कलाकारों की टोली दिखाई दे रही है, जिसके चारों ओर ए प्लस का साइन भी है और उसमें से पैसे बह रहे हैं। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज दिलचस्प मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम आमने सामने है। वहीं इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बता दें कि दोनों ही टीमों में इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।